हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जीज में हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। ओके, अब हम देखने वाले हैं उसका जनरल ट्रेंड, हाउ योर आयनाइजेशन एनर्जी वर्क्स अलोंग द पीरियोडिक टेबल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जब मैंने बात किया था फैक्टर्स के बारे में जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रही थी, उसमें से एक फैक्टर था एटॉमिक साइज, करेक्ट, और दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, अब ये जो दो फैक्टर है ये मेजरली अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, एंड लेट्स सी हाउ। आई एम गोइंग टू सी अक्रॉस द पीरियड, सो मैं यहाँ पे पीरियड लिख देती हूँ सो दैट हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू टॉक टॉप टू बॉटम, दैट इज डाउन द ग्रुप। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होते जाता है, दैट इज साइज इज गेटिंग स्मॉलर, और साइज स्मॉलर होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। यस, करेक्ट। ये जो एटॉमिक साइज है ये पूरे टेबल के लिए फॉलो होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड हर जगह फॉलो होगा। जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे जब एटॉमिक साइज जो है वो आपका डिक्रीज होगा, डाउन एरो के साथ मैं आपको डिक्रीज बता रही हूँ। अगर आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, करेक्ट। यस, बात करते हैं ग्रुप का। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज के साथ एक नया शेल हमेशा ऐड होते जाता है जैसे ही आप ग्रुप्स में नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं, दैट इज विद द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, करेक्ट, एज यू गो डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, इसकी वजह से आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा टॉप टू बॉटम वो हमेशा आपका आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होते जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। सो टॉप टू बॉटम आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो न्यूक्लियर चार्ज मेरा ऑब्वियसली इंक्रीज होगा जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। और मैं ग्रुप का बात करती हूँ तो टॉप टू बॉटम हमारा न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, कम हो रहा है, करेक्ट। ओके, लेट्स सी इट इन दिस वे, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ अक्रॉस द पीरियड, साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट। व्हेन आई गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू रीजन इट। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू साइज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नो, दिस इज अबाउट जनरल ट्रेंड। जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं हर केस में यही ट्रेंड फॉलो होता है, ऐसा नहीं, और इसकी इफेक्ट्स, इसके फैक्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है, हमको कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। एक्सेप्शंस आपको अक्रॉस द ग्रुप मिलेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सेप्शन, व्हाट विल बी द एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस हमारा होगा बेरिलियम टू बोरॉन से एक एक्सेप्शन आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे मैग्नीशियम से एल्युमिनियम जो होगा एक एक्सेप्शन मिल जाएगा हमको, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एक्सेप्शन मिलेगा हमको, और फॉस्फोरस टू सल्फर मिलेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्शंस क्यों आती है। लेट अस टेक द फर्स्ट वन, दैट इज योर बेरिलियम टू बोरॉन। अब बेरिलियम टू बोरॉन जाते वक्त क्या होता है और आयनाइजेशन एनर्जी में किस प्रकार फर्क आता है, लेट्स ट्राई टू सी। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट बेरिलियम एंड बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं एक एक का, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टार्ट फीलिंग इट, 1s2 2s2, करेक्ट, 4 इलेक्ट्रॉन फील कर चुकी हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट बोरॉन, बोरॉन में क्या होगा, हाउ एम आई गोइंग टू फील द इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1, P1 में गया है, PX, PY, PZ किसी में भी जा सकता है, ओके? आप देख सकते हैं बेरिलियम में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है S ऑर्बिटल में जा चुका है, बोरॉन में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके P ऑर्बिटल में जा चुका है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाती है, आप इसको कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट से भी रीजनिंग कर सकते हैं। अब होता क्या है, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, If you talk about 2s2, इसके s में दो इलेक्ट्रॉन है, और मुझे याद है मैंने पेनिट्रेशन
सबसे ज्यादा हमारा एस ऑर्बिटल पेनिट्रेट करने वाला है, करेक्ट? यहाँ पे एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा एस पेनिट्रेट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा करीब न्यूक्लियस के तुम्हारा एस ऑर्बिटल हो तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो क्या इसको निकालना आसान होगा, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? नहीं। पर क्या मैं लेट्स ट्राई टू टॉक इन अबाउट दिस थिंग, पी में इलेक्ट्रॉन है ना, आपने देखा होगा कि पी का जो है तुम्हारा ऑर्बिटल लेस पेनिट्रेट करता है एस के ऑर्बिटल में से, इसका मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स वो कम होगा एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट? और पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है ना, ये फुल फील्ड है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको कम्प्लीटली फील होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लगता है या फिर हाफ फील होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लगता है। सो वैसी कोई भी कंडीशन नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, आप लॉजिकली अगर देखेंगे, अगर मैं सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो बेरिलियम पहले आता है और बोरॉन बाद में आता है, तो इसके हिसाब से हमारे जनरल ट्रेंड के हिसाब से कहीं यहाँ पे मेरा बेरिलियम आ जाएगा और यहाँ पे मेरा बोरॉन आ जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहला फैक्टर जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट अफेक्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करता है, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि दिस इज अनस्टेबल, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुली फील्ड, करेक्ट? सो इसकी वजह से बेरिलियम का नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम होना चाहिए, पर बेरिलियम का एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का हमेशा बोरॉन के आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का हमेशा बोरॉन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हाई होता है। सिमिलर वे में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के साथ होता है। नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन एंड आई वांट यू टू कमेंट बॉक्स फॉर फास्फोरस एंड सल्फर। ओके लेट अस ट्राई टू सी फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनमें क्यों एक्सेप्शन, इनको एक्सेप्शन में क्यों डाला हुआ है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इफ आई ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्विकली। 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा, करेक्ट? एफ फील्ड 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखते हैं इसका हो जाएगा ट्रेंड 1s2, 2s2, 2p4, ओके? अगर मैं इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ तो ये फर्स्ट 1s हो जाएगा, ये मेरा 2s हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 3p, 1 इलेक्ट्रॉन। चलो इसका भी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। दिस विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल, 2s इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2s orbitals, and again there are 4 electrons in p, so I'm going to fill it in this way. This follows Hund's rule, I hope you know that, right? Filling of orbital is always done by Hund's rule. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो orbital है p का, this is half filled, correct? And I have taught you in the last lecture, half filled का मतलब होता है most stable. Can you see here for oxygen? Oxygen के पास 4 electron है, in one orbital there are 2 electrons. 2 electrons will cause more repulsion, जिसकी वजह से इसका electron निकल के चला जाएगा. Okay, we are done with the orbital representation. Let us try to see their positions on the periodic table quickly. If I try to find out the positions in the periodic table, nitrogen is somewhere here, and then after you have oxygen in the periodic table. So right after nitrogen you have oxygen in the same period, okay? So इसमें problem क्यों आ जाता है, exception क्यों होता है? अगर हम देखेंगे left to right हमारा ionization energy increase होना चाहिए, इसका मतलब nitrogen का energy आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एनर्जी से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, पर ऐसा होता नहीं है। इफ़ यू विल सी केयरफुली, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एनर्जी से हाई निकलता है। अब ऐसा होता क्यों है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, इसमें जो आपके पी ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हंट्स रूल से भरे हुए हैं, करेक्ट? कैन यू सी दिस इज हाफ फील्ड, सो कैन आई से दिस विल बी स्टेबल। और यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, नाउ दिस इज नॉट हाफ फील्ड नाइदर फुल फील्ड, तो ये हो जाता है अनस्टेबल, ओके? नाउ बिकॉज दिस इज अनस्टेबल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज गोइंग टू कॉज मोर रिपल्शन,
दिस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कॉज मोर रिपल्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, दैट इज ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है. सो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, जो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी है, तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी, जो तुम्हारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन है, वो हमेशा ज़्यादा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन से. And this is an exception. The next one is phosphorus and sulfur. Okay. Now, if you have got an idea कि ionization energy कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, तो आपको इसका भी अंदाज़ा आ जाएगा. I hope now with this you are very clear with the general trend of ionization energy.